अगर आपको इन बीचेस में आना है तो सबसे पहले अपने गूगल मैप में डायरेक्शन लगाइए एरोसिम बीच की, वो आपको एरोसिम बीच पहुंचा देगा। एरोसिम बीच में आप लेफ्ट साइड को वॉक करते हुए जाएंगे तो 10 मिनट के बाद आपको मिलेगी उट्रोदा बीच, और उट्रोदा बीच चलते हुए जाएंगे तो उसके 10 मिनट बाद आपको मिल जाएगी मझोडा बीच, और लेफ्ट साइड को आपको वॉक करना है क्योंकि सारी बीच जो है लेफ्ट साइड को पड़ेंगी। आज हम आ गए अपने फोर्थ बीच में जो है बैटल बैटिंग बीच। ये आपको दूर से दिख रहा होगा, वो देखिए उधर, वहाँ से अगर आए वो एरोसिम बीच थी, उसके बाद उट्रोदा बीच थी, उट्रोदा बीच के बाद ही मझोडा बीच, और उसके बाद ही बैटल बैटिंग बीच। बट हम यहाँ पे जो है स्कूटी से आए हैं क्योंकि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ से वॉक करते हुए बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा ये चलते चलते। तो आप ट्राई करें कि आप एरोसिम बीच पहुंचिए और उसके आगे जा सकता है उट्रोदा बीच जाइए, और फिर दोबारा वापस जाके स्कूटी पकड़िए और आगे के बीच एक्सप्लोर कीजिए मझोडा और बैटल बैटिंग, क्योंकि वॉक करते हुए और गर्मी में 1.5 से 2 घंटे लग जाएगा। आप वॉक करते रहोगे, पीछे आते रहेंगे और आप थक जाओगे, तो थकना नहीं है और इन्जॉय करना है। तो एक बीच में आइए, वापस जाइए स्कूटी पकड़िए, फिर दूसरे बीच में आइए, इससे क्या आप रिलैक्स रहोगे और इन्जॉय करोगे। एरोसिम, उट्रोदा और मझोडा बीच के बाद एक बैटल बैटिंग बीच भी बहुत नीट एंड क्लीन है, और बिल्कुल देखिए और फॉरनर्स देखिए, आप कैट्स लगे हैं, फॉरनर्स बैठे हैं, मतलब यहाँ पे मैं मोस्टली जो नोटिस कर रही हूँ कि फॉरनर्स बहुत आ रहे हैं, क्योंकि एक बीच बहुत नीट एंड क्लीन है, और लाइफ गार्ड्स आप पीछे देख सकते हैं, मेरे लाइफ गार्ड्स भी बैठे हैं पीछे, मिस हैपनिंग हो तो उसके लिए है, यहाँ पे सेफ्टी के लिए प्रॉपर मेजर लिया गया है, तो यहाँ पे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी प्रॉपर अपनाए गए हैं, और बाकी पर उसमें थोड़ी थोड़ी डेंजर वाले साइन बोर्ड लगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग करंट है तो ज़्यादा अंदर स्विमिंग करना अलाउड नहीं है, बट मोस्टली हम कॉर्नर्स को देख रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एरोसिम बीच और उट्रोदा बीच और मझोडा बीच, उसके पास बहुत सारे अच्छे होटल्स और रिजॉर्ट हैं, और यहाँ पे भी वही बहुत सारे अच्छे रिजॉर्ट और स्पास हैं, जो अगर आप थक गए रिलैक्स करना चाहते हैं तो वहाँ स्पास वगैरह में जा सकते हैं, और उसकी तरह ब्यूटीफुल ही ये बैटल बैटिंग बीच भी है। देखिए कितना है, क्योंकि ये सारे बीच लगते हुए हैं, बट ये मत सोचिए कि आप वॉक करते हुए चलते जाएंगे जाते जाएंगे, क्योंकि आते जाएंगे बीच, जैसे मैंने बताया टू व्हीलर या फोर व्हीलर जिससे आ रहे हैं, वैसे मैं रेकमेंड करूँगी कि आप टू व्हीलर में ही आइए, आराम से आ जाएंगे, और टाइम नहीं लगेगा, और नई नई जगह अच्छी अच्छी बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर लेंगे। ये देखिए, वैसे आप साउथ गोवा तो फोर व्हीलर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो रोड्स हैं इतनी ज़्यादा क्राउडेड और रश नहीं होता है, मतलब बहुत खुली खुली रोड्स हैं और जगह काफ़ी है और ट्रैफिक इतना नहीं। जैसे नॉर्थ गोवा जाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे वहाँ पर जाने में, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप आराम से फोर व्हीलर ला के कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बैटल बैटिंग बीच में तो ज़रूर आइए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो, देखिए बहुत सुंदर बीच है ये भी। हम जा रहे हैं कोलवा बीच की तरफ, और जो अभी इस जगह पे हम खड़े हैं उस वो विलेज है कोलवा विलेज, और इसी के ठीक सामने आपको दिख रहा होगा चैपल ऑफ सेंट एंथोनी है। तो अभी हम ये कोलवा में हैं और बस बीच में पहुंचने वाले हैं, और यहाँ की जो मार्केट है वो और जगह से मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा।
साउथ गोवा एक्सप्लोर करते करते आज आ गए हम अपनी फिफ्थ बीच पे। ये है कोलबा बीच, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये थोड़ी क्राउडेड है बाकी बीचों के कंपैरिजन में, जो इससे पहले मैं चार दिखा चुकी हूँ। और ज़्यादा क्राउडेड होने की वजह से इतनी ज़्यादा क्लीन बीच नहीं है, मतलब हैपनिंग तो है बट क्लीन बीच नहीं है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जैसा कि मैं अभी आपको कोलबा विलेज से लेते हुए आई थी इधर को, यहाँ पे मतलब मार्केट तो बहुत बड़ी थी, बाकी बीच जो थी चार उसके आसपास इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी। यहाँ पे शायद जो विलेज है उसकी मार्केट भी है, तो बहुत बड़ी मार्केट है और वुडन शैक्स वगैरह लगे हुए हैं और क्राउडेड है और हैपनिंग प्लेस है। तो अगर आप आना चाहें साउथ गोवा एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं बीच में घूमने के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए, चाहे फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करानी है तो फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं यहाँ पर। अभी कोलबा बीच पे और इतनी क्राउडेड बीच होने की वजह से एक ड्रॉबैक इसका ये भी है, देखिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऐसे बीचेस वगैरह में घूमने आते हैं तो प्लीज़ ये गंदगी फैलाने में कंट्रीब्यूट ना कीजिए, क्योंकि देखिए ये हाल हो जाता है, नहीं तो फिर आने का मन भी नहीं करता है बीचेस वगैरह में। चुके हैं अपनी सिक्स बीच पर जिसका नाम है बैनोलिम बीच। ये बीच भी वो बाकी जो पांच बीचेस दिखाई थी उसके आगे आके, मतलब आपको अपने व्हीकल में ही आना पड़ेगा और उससे आगे आके आते हुए एक लाइन पे हैं ये। और देखिए ये फॉरनर्स वगैरह यहाँ पे, ये साउथ गोवा के जितनी बीचेस हमने घूमे आज इसमें सब में ज़्यादातर हमें फॉरनर्स दिखे हैं, और यहाँ तो हमें बोट्स भी दिखी है। शायद फिशरमैन फिशिंग करने के लिए भी यहाँ बहुत आते हैं, क्योंकि लाइन से इसी वाली बीच पे बोट्स खड़ी है जिसमें फिशरमैन फिशिंग करते हैं। ये देखिए आज जो हम अपनी आए हैं छठी बीच पे आए हैं, बाकी इससे पहले हम पांच बीचेस एक्सप्लोर कर चुके हैं। कोलबा को छोड़ के बाकी पांचों बीचेस बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और बहुत ज़्यादा फॉरनर्स यहाँ आए हैं। और देखिए अब बहुत ज़्यादा अच्छी बीचेस लग रही है आपको, बिल्कुल गंदगी फील नहीं होगी यहाँ पे। और अगर आप इधर साउथ गोवा में आ रहे हैं तो यहाँ की ये पांचों बीचेस ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। वैसे तो छह बीच हमने एक्सप्लोर कर दी बट कोलबा वाली थोड़ी सी इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं थी तो, और बाकी पांच जो थी बहुत ज़्यादा क्लीन थी। तो आप साउथ गोवा जब एक्सप्लोर कर रहे हो तो इन बीचेस में आना ज़रूर कंसीडर करें। तो इस ब्यूटीफुल से बैनोलिम बीच के साथ मैं इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ, और अब मैं आपसे मिलूँगी अपने एक नए व्लॉग में जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे साउथ गोवा के कुछ और प्लेसेस को। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।